वाह चाचा, असली मजा तहरे बा, बुढ़ौती में विदेशी माल चा पता रहा। तुम भी पीते हो क्या बेटा? ना चाचा, पूरा जिला जवार में केहू माई के लाल नहीं के कह सकत कि निरहू कुमार यादव कबो एक रुपया के भी दारू खरीद के पियले होखस। हम केहू पिया देला तो पी लेनी। अरे तो तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी बेटा। तो जबावा चाचा। तो कौन सी पियोगे बेटा, ये कि ये वाला जबावा? अरे वाह 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 वाह, ये लो। लो बेटा। और चापा? चापा? अरे भरा। ओ तनी और भरा। अरे भरा हो। बहुत मीठ बा, तनी और भरा। बेटा ये पीने की कौन सी स्टाइल है? ये अमन का देसी स्टाइल है। अच्छा अच्छा अच्छा, भरा भरा। लो भरा तारा की बुलवावा तारा। दो लो। चाचा तू बड़ी मस्त आदमी हो। ना 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 ना, इबात सोचा कि हमके नशा होता। ये तो हो, माने हम केतनो पी ली लेकिन हमरा नशा ना होला। कबो ना चाचा। एक बात के शिकायत बा चाचा। क्या हो गया बेटा? बहुत बड़का शिकायत। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। बहुत बड़का गलती काम कैले बड़ा तू लोग। क्या हो गया बेटा? ये अपना बेटी के नाम सोना का रख ले वालो। क्यों? घंटा सोना। ब्याह भइले इतना दिन भइल, सलोज ले एक दिन नहीं के सूते देले। सोना हो तो हमारो नाम निरहू कुमार यादव। आज तो चिखिया के रहे हम। चिखे मतलब? अब बेटी दामाद के कुल बात जानल जरूरी बा, चुपचाप बैठ के दारू पियो, हम जा तनी चीखे। अरे तारा अंग्रेजी से बढ़िया तो देसी हमें होला, कम से कम जितना तेजी से चढ़ेला उतने तेजी से उतर भी जाला। तुम शराब ऐसे पीते हो यार, जाने मने दूध पी रहे हो, वो भी बिना पानी और सोडा के। हैंगओवर तो होगा ही ना? का गोबर होगा? अरे गोबर नहीं, हैंगओवर, यानी सर में दर्द। अरे सर में तो ऐसा दर्द होगा तो लागत साला फाड़ जाए। हेलो, कहो तो दबा दूं? माथा में दर्द बा, गला में ना, दबा। अब मुझे तुम अच्छे लगने लगे तो तुम्हारा नाटक शुरू हो गया। शराब रात ही मेरा पी ले रहूंगी, ए मेरा ना। देखो अगर तुम शराफत से रहोगे तो मुझे तुम्हारी पत्नी होने में कोई एतराज नहीं है। अरे बाप रे, इतना प्यार से बोलबू तो हम तो हर गुलामी करे के तैयार हो जाए। बस एक बात हमार मान ला, भाई चिरकुट पहनल तू छोड़ दा, मस्त लुग्गा पहन के घूंघट काढ़ के एक बार हमारे सामने आ जाए तो साला हमार करेजा जुड़ा जाए। अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। सुनो जी। काजी, आज हमारी शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रख लूं, अगर आपकी इच्छा हो तो। अरे अब तारे इच्छा में हमारी इच्छा बा, रख लो। हाय फ्रेंड्स, ये है मेरे हस्बैंड निरहू कुमार यादव। कैसी लगी हम हस्बैंड वाइफ की जोड़ी? बहुत बढ़िया, जैसे मर्सिडीज के साथ ट्रैक्टर को बांध दिया गया हो। ट्रैक्टर नहीं, गांव का नमूना है ये। सड़ी हुई जींस, सड़ा हुआ कुर्ता और गले में गमछा, वाह भाई वाह। इससे अच्छे कपड़े तो हमारे घर के नौकर पहनते हैं। भाई इसके कपड़ों पे मत जाना, ये आदमी दिखने में सीधा साधा है, एक नंबर का सातीर है। सातीर सोना के करोड़ों की दौलत देख के इस भीख मंगे की आंखें चकाचौंध हो गई है। धक्के मार मार के ये बिचारी इसे घर से बाहर निकालना चाहती है, पर ये जोक की तरह इसे चिपक गया है यार। स्टॉप इट गाइस, बहुत हो गया मजाक। ये मेरा पति है, कोई तबला नहीं कि जो चाहे इसे बजा दे। अरे देखो इसकी शक्ल तो देखो, कितना बुरा मान गया बेचारा। अगर मेरा पति बन के रहना है ना तो ऐसी छोटी छोटी बातों में बुरा मानना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि ये टोनी मेरा बॉयफ्रेंड है तब तुम्हें
कितना बुरा लगेगा। अरे क्या हुआ, बुरा लग रहा है? बोलो ना, बुरा लग रहा है? अगर बुरा लग भी रहा है तो भी तुम मेरा क्या कर लोगे? काला गल तो रखे है, तू एक निक साथे मिल के हमार मजाक उड़े भी और हम चुपचाप चल जाए यहाँ से। शादी बिया तोहनी खातिर मजाक हो, हमनी खातिर जन्म जन्म के रिश्ता होला। समझ में आयल कि फिर समझाई तो के? ए हरामखोर, हमरा मेहरारू के तलवा चाटे वाला कुकुर, आज के बाद अगर मरद मेहरारू के बीच में आवे की कोशिश कैले तो तुर बीच वाला काट के तुरे हाथ में दे दे। का कदर ले तू, गमछा वाला नमूना? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इस सब लोग गमछा वालन के गांव में पैदा भइल रहे। तोरा जैसन बनरन के शहर में ना, और शायद तोरा के ही पता नहीं के कि गमछा अगर गरीब मजदूर के पसीना पोछे के काम आवेला तो तोरा जैसन कुकुरन के टेटुआ दबावे के भी काम आवेला। और का कदरलू है, हम आदमी ना है, ट्रैक्टर है। एकदम सही पहचान लू तू, ट्रैक्टर है हम। लेकिन एक बात जान लू कि ना मैडम, ट्रैक्टर के इंजन बहुत मजबूत होला और जब तोहनी लोग के बड़का बड़का गाड़ी गाढ़ा गुच्छा में फंस के धुआं छोड़े लगेला तो ट्रैक्टर वे ठेल के बाहर निकालेला। और अगर तोहरा जैसन बंजर जमीन पे हाई ट्रैक्टर चढ़ गई तो 9 महीना से पहले ही फसल लहलाए लगी। तोरा के का लगा था, पैसा खातिर चिपकल बनी हमें से? थू थू कता नहीं करा पैसा पे। अगर ये हमरा के अपन दिल से पति ना समझे ले तो हमहू एकरा घर के अपन ससुराल ना होटल समझ के रहनी। नीरव ठीक कह रहा है बेटा जी, इन लिफाफों में पैसे देकर उसने यहाँ रहने खाने की पूरी कीमत चुकाई है। मेरा यकीन करो बेटा जी, इसके जैसा खुददार आदमी तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अपनी ये 2 कौड़ी की सलाह ना आप अपने पास ही रखिए चाचा जी। मेरे मामलों में अपनी टांग अड़ाने से पहले ये याद रख लीजिएगा कि मेरी इस प्रॉपर्टी के आप बस केयर टेकर हैं, मालिक नहीं। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जैसे गिरे हुए फटीचर इंसान के साथ अब मैं 1 मिनट भी और नहीं रह सकती। I need divorce, अभी के अभी तलाक दो मुझे। अच्छा, तलाक चाहिए? हाँ, दे दे तलाक। लेकिन उकरा खातिर तोरा के हमारे को शर्त माने की पड़ी। क्या शर्त? अगर तलाक चाहिए तो तोरा के हमारा गांव में चल के हमारे मेहरारू बन के 6 महीना रह के पड़ी। मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे उस सड़े हुए गांव में। हम ना लई तोरा से ब्याह करे, तू आई लली हमरा से ब्याह करे। और अगर अब तलाक चाहिए तो गांव में तो हमारा चले के पड़ी। मैं जानती हूँ, जब तुम यहाँ रहकर मेरा तन हासिल नहीं कर पाए तो अब गांव जाके अपनी मुराद पूरी करना चाहते हो ना तुम? तोरा मर्जी के खिलाफ गांव में तोरा के हाथ भी ना लगाए, ये को मर्द के जुबान। मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझ गए? हाँ तो तलाक देवे में तुहार तेल निकाल देव। अरे इतना क्या सोच रही है यार, इस जानवर से पीछा छुड़ाने का इससे बढ़िया रास्ता और कोई नहीं है। अंजना सही कह रही है, सिर्फ 6 महीना तुझे उसके गांव में सड़ना पड़ेगा, उसके बाद जिंदगी भर तुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। मैं तुम्हारे गांव जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सारे दोस्त भी मेरे साथ चलेंगे। मैं इन सबके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती, यही मेरे सुख दुख के सच्चे साथी हैं। बोले मंजूर है? मंजूर बा, लेकिन हमरो एको शर्त बा, गांव में केहू के कानो कान खबर ना होके की चाहिए कि हमनी के बीच में का समझौता भइल बा। मंजूर बा? मंजूर है। अरे टोनी तुम नहीं जाओगे? नहीं, अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम लौट कर जरूर आओगी, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके बाय। बाय चाचा जी। बाय बेटा। तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगी? Yes, of course. She'll come. वो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो? Yes, I am. मुझको तो बेवकूफ नजर आते हो। बेटा चिड़िया तो उड़ गई।